हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर ट्रिनिटी ग्रुप। टुडे द टॉपिक ऑफ अवर डिस्कशन इज हेडा गैबलर बाय हेनरी किप्सन। वी स्टार्ट अवर यूनिट ऑफ मॉडर्न ड्रामा एंड हेनरी किप्सन इज द राइटर हु राइट द मॉडर्न ड्रामा एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ रियलिज्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेडा गैबलर, जो कि हेनरी किप्सन के द्वारा लिखा गया है। जो हेडा गैबलर है वो 29 ईयर ओल्ड गर्ल जो है, ये हेडा गैबलर है। और इसका जो नाम है आफ्टर मैरिज, जो इसका नाम है वो हेडा टेस्मैन है। तो हेडा टेस्मैन इसका नाम है, लेकिन जो हेडा गैबलर है उसको यह नाम हेडा गैबलर ही दिया है हेनरी किप्सन ने। और हेनरी किप्सन ने उन्होंने इसको हेडा गैबलर के नाम से और इसके टाइटल से ही क्यों जाना है, क्योंकि उन्होंने हेडा गैबलर को एज ए डॉटर ऑफ हिज फादर प्रेजेंट किया है, मतलब अपने पिता की बेटी के रूप में ज़्यादा प्रेजेंट किया है। उसके फादर जो थे वो एक जनरल थे और एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ही बिलोंग करने वाले थे। और जो इनके हस्बैंड हैं जगन टेस्टमैन, वो ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो हेडा गैबलर है वो खुद को एज ए एरिस्टोक्रेटिक ही प्रेजेंट करती है। तो जो हेडा गैबलर है, शादी हो गई है लेकिन फिर भी वो अपने फादर की डॉटर बनकर ही रहती है। तो इसलिए उसका जो सरनेम है वो गैबलर ही रहता है, उसको हेडा टेस्टमैन के नाम से जो हेनरी किप्सन है वो प्रेजेंट नहीं करते हैं। हेनरी किप्सन ने खुद भी लिखा है कि आई प्रेजेंट हेडा गैबलर एज द डॉटर ऑफ हिज फादर रादर दैन वाइफ ऑफ हर हस्बैंड। तो इसलिए जो हेडा गैबलर है इसको हेडा गैबलर नाम से जाना गया है। देन हेडा टेस्मैन, इसको हेडा टेस्मैन की जगह पर हेडा गैबलर नाम से जाना गया है। तो अब हम अपने वर्क को शुरू करते हैं। जो हेडा गैबलर है ये एक जनरल की बेटी है और इनके फादर की डेथ हो गई है। 29 ईयर ओल्ड थी ये, जब ये 29 ईयर ओल्ड थी, अपनी 30 की जो एज उसमें जाने वाले थे, तो इसने सोचा कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। इसका इतना मन नहीं था शादी करने का, लेकिन फिर भी इसने सोचा कि मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ, मेरी एज ज़्यादा हो रही है, तो अब मुझे शादी करनी चाहिए। तो इसने, जब ये 29 ईयर ओल्ड थी, इन्होंने जर्गन टेस्मैन के साथ शादी कर ली। तो इसने जर्गन टेस्मैन के साथ शादी कर ली। और जो जर्गन टेस्मैन है वो एक इंटेलिजेंट बंदे के रूप में दिखाए गए हैं। और जब ये नॉवल शुरू होता है तो जर्गन टेस्मैन और हेडा गैबलर जो है ये अपने हनीमून से आते हैं, 6 महीने का जो हनीमून है उससे ये आते हैं। लेकिन जो हनीमून है उसमें भी जो जर्गन टेस्मैन है वो अपना रिसर्च वर्क करता रहता है। और जो हेडा गैबलर है उसको जो जर्गन टेस्मैन है उसकी जो कंपनी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो वो उस टाइम पर भी जो अपना रिसर्च वर्क है वो करता रहता है। तो इसमें हमें जो जर्गन टेस्मैन है उसके बारे में ये पता चला कि जो जर्गन टेस्मैन है वो क्या है, एक ऐसे बंदे के रूप में प्रेजेंट किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और अपना एक रिसर्च वर्क वो कर रहा है। और इस रिसर्च वर्क से वो एक प्रोफेसर के रूप में जो जॉब है वो प्राप्त कर सकता है। तो ये अपने रिसर्च वर्क में लगा हुआ है और ये अपनी वाइफ के ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर हमारे सामने एक जो तीसरा करैक्टर है वो भी आता है। तो तीसरा करैक्टर जो है वो है एजलर्ट लवबोर्ग। जो एजलर्ट लवबोर्ग है उसका जो हेडा गैबलर है उसके साथ शादी से पहले अफेयर रहा हुआ है। तो जो एजलर्ट लवबोर्ग है ये पुराने टाइम में जो हेडा गैबलर है इसका लवर था। तो उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा शराब पीता था, इसकी जो लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, अपनी लाइफ को बर्बाद कर चुका था। लेकिन अब जब ये नोवेल प्रोग्रेस कर रहा है तो इसमें जो एजलर्ट है ये भी अपना एक रिसर्च वर्क लिख रहा है और इसने एक बहुत ही फैंटेस्टिक वर्क लिखा है। तो इसकी एक मैन्युस्क्रिप्ट इन्होंने तैयार की है और इस वे में ये जो जर्गन टेस्मैन है उसका राइवल बन गया है। तो जो एजलर्ट है वो हेडा गैबलर का लवर है पुराने टाइम में और अब इसके द्वारा एक बहुत ही अच्छी जो है मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की गई है और इस वजह से ये जर्गन टेस्मैन का क्या बन गया है, राइवल बन गया है, विरोधी बन गया, क्योंकि अब ये दोनों के दोनों जो है जो मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं वो एक जो पोस्ट है उसके लिए कर रहे हैं। तो ये इस वे में जो जर्गन टेस्मैन है उसका राइवल बन गया है।
अब हम जो नेक्स्ट जो करेक्टर है मिसिज एल्वेस्टेड उसके बारे में जान लेते हैं। जो मिसिज एल्वेस्टेड है ये जो एजलर्ट लवबोर्ग है इनको पसंद करती है और ये हर वे से किसी भी तरीके से जो एजलर्ट लवबोर्ग है उससे मिलने की कोशिश करती रहती है। और जो अपना नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है जूलियाना टेस्मैन। जूलियाना टेस्मैन जो है इसका जो दूसरा नाम है वो मिस रीना भी है। तो जूलियाना टेस्मैन वो औरत है जिन्होंने जो जर्गन टेस्मैन है उसको बड़ा किया है। तो ये आंटी जो है, जो ये आंट है किसकी, अपने जर्गन टेस्मैन की आंट है, जूलियाना टेस्मैन इसका नाम है। और ये बहुत ही ज़रूरी करेक्टर है। उसके बाद अपना जज ब्रैक आता है। जज ब्रैक जो है ये भी एक मेन करेक्टर है और ये जो अपना वर्क है इसमें कई बार आता है। और ये जो जर्गन टेस्मैन है उनके घर पर आता है और जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है वो देता रहता है। जैसे कि जब शुरू में आता है तो वो ये बताता है कि जो एजलर्ट है वो भी जो जर्गन टेस्मैन है उसका राइवल बन गया है, वो भी उसी पोस्ट के लिए जो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट है तैयार कर रहा है जिसके लिए जो जर्गन टेस्मैन है वो मेहनत कर रहा है। तो इस तरह से जो ये करेक्टर है ये बहुत ही ज़रूरी है अपने हेडा गैबलर वर्क में। तो अब हम जो प्लॉट है उसको हम शुरू करते हैं। जो हमारी कहानी है वो शुरू होती है, तो जो जर्गन टेस्मैन है और हेडा है ये हनीमून से 6 महीने के हनीमून से वापस आए हैं और वापस आने के बाद ये अपने घर पर हैं। तो इनसे मिलने के लिए जूलियाना टेस्मैन आती है। जूलियाना टेस्मैन उनसे मिलने के लिए आती है, लेकिन जब जूलियाना टेस्मैन मिलने के लिए आती है तो हेडा गैबलर उसके साथ बहुत ही र्यूडली बिहेवियर करती है, उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है। और जब जर्गन उसको बोलता है कि जूलियाना टेस्मैन से माफ़ी मांगो, तो वो माफ़ी मांगने की बजाय ये कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे घर पर आए। तो ये जो जूलियाना टेस्मैन है उसके साथ बहुत ही रूडली बिहेव करती है। उसके बाद जो जूलियाना टेस्मैन है वो वहाँ से चली जाती है और फिर यहाँ पर जो अपनी मिस एल्वेस्टेड है वो आती है। मिस एल्वेस्टेड आती है, जो अपना नेक्स्ट सीन है उसमें मिस एल्वेस्टेड आती है। मिस एल्वेस्टेड जो है ये हेडा गैबलर की फ्रेंड है और ये कॉलेज फ्रेंड है इसकी, और इसके साथ ये बातें करती है। तो मिस एल्वेस्टेड बोलती है कि जो एजलर्ट लवबोर्ग है वो अपने टाउन में आया है और एजलर्ट लवबोर्ग बिल्कुल चेंज हो गया है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट हो गया है और वो एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर रहा है और वो बहुत ही अच्छा इंसान बन गया है, पहले की तरह वो शराब नहीं पीता है। तो ये बताने के बाद जो मिसिज एल्वेस्टेड है वो वहाँ से चली जाती है। और मिसिज एल्वेस्टेड के चले जाने के बाद फिर वहाँ पर जज ब्रैक आता है। जज ब्रैक भी आकर हेडा गैबलर के साथ बातें करता है और जज ब्रैक आकर जो हेडा गैबलर है उसको ये बोलता है कि जो एजलर्ट लवबोर्ग है वो उसी पोस्ट के लिए मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर रहा है जिसके लिए जो जर्गन टेस्मैन है वो तैयार कर रहा है, और जर्गन टेस्मैन से भी अच्छी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो एजलर्ट लवबोर्ग के द्वारा तैयार कर ली गई है। और उसकी मैन्युस्क्रिप्ट को देखकर ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे हस्बैंड का जो राइवल है वो एजलर्ट है और शायद जो एजलर्ट है वही उस रिसर्च वर्क में नंबर वन आने वाला है। तो ये बात जो जज ब्रैक है ये उसको बताता है और इसको बताने के बाद फिर ये यहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये जो सीन है ये ख़त्म हो जाता है। फिर अपना जो नेक्स्ट जो एक्ट है वो आता है। जो नेक्स्ट एक्ट है उसमें क्या होता है, जो एजलर्ट है उससे जो मिस एल्वेस्टेड है वो मिलती है और यहाँ पर एक स्टैग पार्टी होती है। स्टैग पार्टी में जो मिस एल्वेस्टेड है और जो एजलर्ट लवबोर्ग है वो मिलते हैं, वो बातें करते हैं। उसके बाद जो एजलर्ट लवबोर्ग है वो जो पार्टी है उसमें जर्गन टेस्मैन और जज ब्रेक की जो कंपनी है उसको ज्वाइन कर लेता है और उसे लगता है कि जो ये पार्टी है इसमें शराब पीना ज़रूरी है क्योंकि ये उसकी रेपुटेशन के लिए ज़रूरी है। तो वहाँ पर आकर वो शराब पीने लग जाता है, लेकिन वो शराब बहुत ज़्यादा पी लेता है और जो मैन्युस्क्रिप्ट उसने बनाई थी वो वहीं पर भूल जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो शराब पी लेता है। तो उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो वहीं पर रह जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो जर्गन टेस्मैन को मिलती है, तो जो जर्गन टेस्मैन है उसको वो मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है। और जो नेक्स्ट जो सीन है उसमें जो मिस एल्वेस्टेड है वो एजलर्ट लवबोर्ग का वेट कर रही है लेकिन वो नहीं आ रहा है, और जो हेडा है वो सो रही है। लेकिन थोड़े समय के बाद जो मिस एल्वेस्टेड है वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जर्गन टेस्मैन हेडा के पास आता है और बोलता है कि हेडा,
जो एजलर्ट लवबोर्ग है वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भूल गया है। वो बहुत ज़्यादा पिए हुए था, उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और शराब पीने की वजह से वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को यहीं पर भूल गया है और मुझे ये मैन्युस्क्रिप्ट उसको देनी है। तो वो बोलता है कि मुझे ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये उसको देनी है और वो बोलता है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट तुम ध्यान से रख देना। लेकिन तभी क्या होता है, उसे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो जूलियाना टैशमैन है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है और वो बिल्कुल मरने वाली है। तो जर्गन बोलता है कि मुझे पहले मेरी आंटी के पास जाना होगा, जो मेरी आंट है जूलियाना टैशमैन, वो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मैं उनको देखना चाहता हूँ और उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, तो मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। और ये कहकर वो जूलियाना टैशमैन से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन ये सब देख कर जो हेडा गैबलर है उसके माइंड में पता नहीं क्या आता है और हेडा गैबलर क्या करती है, जो मैन्युस्क्रिप्ट उसको दी गई थी उस मैन्युस्क्रिप्ट को वो क्या कर देती है, छिपा देती है और उसको वो किसी भी तरह से जो एजलर्ट लवबोर्ग है उसको देना नहीं चाहती है। फिर उसके पास जो अपनी हेडा गैबलर है उसके पास जो एजलर्ट लवबोर्ग है वो आता है। पहले जो एजलर्ट लवबोर्ग है वो मिस एल्वेस्टेड से मिलता है। मिस एल्वेस्टेड को बोलता है कि मेरी मैन्युस्क्रिप्ट खो गई है। मिस एल्वेस्टेड चिल्लाती है, क्या तुमने मैन्युस्क्रिप्ट खो दी है? अरे तुम उससे तो खुद को प्रूव कर सकते थे, तुमने मैन्युस्क्रिप्ट कैसे खो दी? तो ऐसा कहकर जो मिस एल्वेस्टेड है वो वहाँ से चली जाती है। और फिर जो एजलर्ट लवबोर्ग है वो हेडा गैबलर के पास आता है। हेडा गैबलर के पास एजलर्ट लवबोर्ग आकर बोलता है कि मेरी मैन्युस्क्रिप्ट खो गई है, पता नहीं कहाँ गई है, और मेरी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, मेरे करियर में उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे मैन्युस्क्रिप्ट को खो जाने के बाद मुझे इतना दुख हो रहा है कि मेरा ऐसा मन करता है कि मैं मर जाऊँ। तो हेडा गैबलर उसकी बात को सुनती है और बोलती है कि ले पिस्टल ले और मर जा, और एक आपको बहुत ही अच्छी जो डेथ है वो मिले, आपको बहुत अच्छी जो डेथ है वो मिले। और वो कहकर वो उसको पिस्टल दे देती है और जो एजलर्ट लवबोर्ग है वो उसकी पिस्टल को ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद जो हेडा गैबलर है वो जो एजलर्ट की जो मैन्युस्क्रिप्ट उसके पास रखी हुई थी उसको वो जला देती है। और फिर अपना जो ये सीन है ये ख़त्म हो जाता है और अपना जो नेक्स्ट एक्ट है वो शुरू होता है। नेक्स्ट एक्ट में सभी के सभी जो करेक्टर हैं वो ब्लैक ड्रेस में दिखाए गए हैं। ऑल द करेक्टर आर वियरिंग ब्लैक ड्रेस। और ऐसा लग रहा है कि किसी की डेथ हो गई हो, तो तभी डायलॉग से ये पता चलता है कि जो जूलियाना टैशमैन है उसकी डेथ हो गई है। तो जूलियाना टैशमैन जो है मिस रीना के नाम से भी इसको जानते हैं, तो जो जूलियाना टैशमैन है उसकी डेथ हो गई है। तो वो सब जूलियाना टैशमैन के लिए जो दुख है उसको प्रकट करते हैं और फिर सारे के सारे बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तभी उस जो मॉर्निंग सीन था, जो शोक सभा थी, वहाँ पर मिसेज एल्वेस्टेड आती है। मिस एल्वेस्टेड बोलती है कि जो एजलर्ट लवबोर्ग है वो हॉस्पिटल में दाखिल है और उसको गोली लगी हुई है और उसकी चेस्ट में वो चेस्ट से वाउंडेड है, उसके चेस्ट पर घाव हुए हुए हैं। तो जो अपना एजलर्ट लवबोर्ग है वो हॉस्पिटल में एडमिट है वो। तो जो मिसेज एल्वेस्टेड है उसके पास जो जज ब्रैक है वो आता है और वो सबको इन्फॉर्म करता है कि जो एजलर्ट लवबोर्ग है उसकी डेथ हो गई है। एक्सीडेंटली एक पिस्टल से गोली चली थी और वो एजलर्ट के जो चेस्ट है उसमें लग गई और उसकी बहुत ही बुरी मौत हुई है। तो जज ब्रैक आकर बताता है कि जो एजलर्ट लवबोर्ग है उसकी डेथ हो गई है और उसके साथ बहुत ही बुरा हो गया है। तब जो जर्गन टैशमैन है और जो मिसेज एल्वेस्टेड है वो जो एजलर्ट लवबोर्ग की मैन्युस्क्रिप्ट थी उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो जो जर्गन टैशमैन है वो बोलता है कि कल रात मैंने जो एजलर्ट लवबोर्ग है उसकी मैन्युस्क्रिप्ट को देखा था और हमें जो उसकी ओनर में उसकी मैन्युस्क्रिप्ट की ज़रूरत होगी। तो वो जो जर्गन टैशमैन है और मिसेज एल्वेस्टेड है वो उसकी मैन्युस्क्रिप्ट को ढूंढना शुरू करते हैं और जज ब्रैक और हेडा गैबलर एक दूसरे से बातें करते हैं। तो जज ब्रैक बोलता है कि जो एजलर्ट लवबोर्ग है उसकी बहुत ही बुरी डेथ हुई है, उसको एक्सीडेंटली एक गोली लग गई और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। तो ये सुनकर जो हेडा है वो अपने रूम में जाती है, पियानो बजाती है और कुछ मोमेंट के लिए वो पियानो बजाती रहती है और फिर अपने पिस्टल के साथ वो क्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। तो हेडा गैबलर क्या है, मर जाती है। तो इस तरह से जो हेडा गैबलर वर्क है बाई हेनरी गिब्सन, ये बहुत ही फेमस वर्क है और इसमें जो सेंट्रल करेक्टर है वो हेडा गैबलर है और जो दूसरे करेक्टर हैं उसमें जर्गन टैशमैन है, हेडा गैबलर है, एजलर्ट लवबोर्ग है, मिसेज एल्वेस्टेड है, जूलियाना टैशमैन है, जज बैक
क्रैक है, और ये सारे के सारे जो करेक्टर हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं। और जो ये वर्क है ये रियलिस्टिक रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। इसमें एक ऐसी वूमेन की कहानी बताई गई है जो अपनी मैरिज लाइफ से खुश नहीं है, उसे जो अपनी मैरिज लाइफ है वो अच्छी नहीं लगती है, और उसे ऐसा लगता है कि अपनी जो मैरिज लाइफ है उसमें वो एक पिंजरे में बंद है, वो आज़ाद होना चाहती है। और पुराने समय में एजलर्ट लवों के साथ उसका लव अफेयर भी रहा था, और जब उसे ये पता चलता है कि जो एजलर्ट लवबोर्ग है उसकी डेथ हो गई है तो वो खुद को भी मार लेती है। और हमें यहाँ पर जो हेडा गैबलर है उसका जो करेक्टर है उसको कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि उसने बिना बजाय जो एजलर्ट लवबोर्ग है उसके मैन्युस्क्रिप्ट को क्या कर दिया था, जला दिया था। अगर वो राइवल था उसके हस्बैंड का तो उसको हमें ये भी नहीं लगता कि जो हेडा है वो किसी भी वे में जर्गन टेस्टमैन से किसी तरह का कोई लव करती है, तो उसके ऊपर इतना कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी वो जो एजलर्ट लवबोर्ग है उसके मैन्युस्क्रिप्ट को छिपा देती है। तो ये जो वर्क है ये जो अपनी ह्यूमन लाइफ है उसमें जिस तरह की जो सिचुएशन एक ह्यूमन बींग फेस करता है उसको हेनरी किप्सन के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। और हेनरी किप्सन के द्वारा किसी भी तरह की कोई इमेजरी करेक्टर और किसी सुपरनेचुरल थिंग का इसमें यूज नहीं किया गया है, बल्कि जो कॉमन ह्यूमन लाइफ है, मिडिल क्लास जो लाइफ है, उसको प्रेजेंट किया गया है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जो हेनरी किप्सन है वो हमेशा जो वुमेन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे समझते थे, उससे सोचते थे। तो यही हमारे इस वर्क में भी हुआ है। तो जो अपने हेनरी किप्सन है उसने जो ये वर्क है इसका जो टाइटल है वो हेडा गैबलर दिया है। जो शादी के बाद हेडा गैबलर है उसका नाम हेडा टेस्मैन था, लेकिन उसने इस वर्क को हेडा गैबलर प्रेजेंट किया है क्योंकि उसने जो हेडा गैबलर है उसको एज ए डॉटर ऑफ हिज फादर प्रेजेंट किया है, मतलब उसकी जो खुद की जो आइडेंटिटी है उसी को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ उसकी जो साइकोलॉजी है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं थी। तो इस तरह से जो ये वर्क है अपना हेडा गैबलर ये अपने जो हेनरी किप्सन है उनके द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस वर्क है, और ये हेडा गैबलर की जो लाइफ है उसके ऊपर बेस्ड है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।